तो थोड़ी देर एडमिनिस्ट्रेशन प्रयास नहीं करना चाहते और मस्जिद कभी आजादी का नारा लगाने वालों के लिए नहीं है, वहाँ अल्लाह का नाम लेने वालों के लिए है। और अगर कोई वहाँ बैठ करके आजादी के नारे लगाता है वहाँ पर धार्मिक करके वहाँ उसको सुधार करने का प्रयास। अभी भी पाकिस्तान की सोच कुछ लोगों में है कश्मीर में? कुछ लोगों में नहीं है जी, काफी लोगों के अंदर पाकिस्तानी सोच अभी गई नहीं है। अभी वो जो कहते हैं ना, जैसे वो जो बाल काटने वाला उस तरह फिरता है, बड़ा एक अभियान चलाने की जरूरत है और नस्ते नबूत करने की जरूरत है इनको, तब जाकर के समस्या का समाधान होने वाला है। जम्मू के अंदर कोई लोग जुर्त करके मंदिर तोड़ने का, माननीय शैलेंद्र जी, SSP महोदय, चंदन कोहली जी, आपसे विनम्र प्रार्थना करना चाहता हूँ, उन लोगों को पकड़ो, अंदर करो। कौन सा ऐसा एलिमेंट है, किस तरह की घटनाएं घटी है जम्मू के अंदर? इस तरह की घटना पहले कभी नहीं घटी। और श्रीनगर जामा मस्जिद के अंदर आजादी के नारे लगाना, ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इसका मतलब बड़ा स्पष्ट है, वो मस्जिद के अंदर जाकर के नमाज पढ़ने का प्रयास नहीं करना चाहते, कुछ तत्व सारे वातावरण को दूषित करने का प्रयास करना चाहते हैं। इसलिए मैं ये मंदिर के विषय के अंदर वहाँ मूर्तियाँ फिर स्थापित की जाए, वातावरण को शुद्ध किया जाए, वहाँ सिक्योरिटी लगाई जाए, ताकि फिर दोबारा एक बार पहले 5 वर्ष पहले घटना घटी थी। कहते हैं मंदिर जंगल के अंदर है, अगर जंगल के अंदर भी आपको सुरक्षा देने का प्रबंध करना होगा। और जो मस्जिद वाला विषय है, आज़ादी के नारे लगे, इतनी देर बंद थी, क्या हो गया? अगर वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन 2 वर्ष लगातार बंद रही, क्या हो गया वहाँ? अगर वो लोग उसका समाधान करने का प्रयास नहीं करना चाहते थे, इसलिए मैं मांग करना चाहता हूँ इस सारे संदर्भ पर कि हमको ऐसी मस्जिदें, ऐसे व्यवस्थाओं का निर्माण नहीं करना होगा। यहाँ पर हिंदुस्तान के विरोध की बू आने लगे, उसको हमको समाप्त करने का प्रयास करना होगा। अशोक जी, क्या लगता है कैसी कार्रवाई ऐसे लोगों के खिलाफ होनी चाहिए? अंदर करो, पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगाओ, अंदर करो। यार, मतलब किस बात की आजादी चाहिए? अभी आजादी मिल तो गई 370 से। इमरान खान को जैसे आजादी पाकिस्तान में मिली, जैसे 90 रुपए की चपाती वहाँ मिली, वैसी आजादी चाहिए। क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर तो बड़ा सब कुछ ठीक चल रहा है, इमरान खान की छुट्टी हो गई, आपस में लड़ना चालू कर दिया, ऐसी आजादी चाहिए? वो एलिमेंट जो पाकिस्तान से बातचीत करने की बातें करना चाहता है, वैसी आजादी चाहिए? इनको जेल के अंदर डालने की आजादी चाहिए, वो आजादी इनको दे दो, सबको पकड़ करके बाहर तिहाड़ जेल में बंद करो। विकास रास नहीं आ रहा है, विकास इनको, विकास नाम का बंदा और विकास इनको दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए वो विकास लाना पड़ेगा और बंदे को भी बुलाना पड़ेगा। माननीय उपराज्यपाल जी, सीधी कार्रवाई, पकड़ो, अंदर करो और इनको पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगाओ और तिहाड़ जेल के अंदर भेजो। जिस प्रकार से ये घटना घटी है, ये कड़े शब्दों में मैं सबसे पहले तो इसकी निंदा करता हूँ। मुझे लगता है जो हिंदुस्तान का सबसे एक अच्छा गुलदस्ता है, जिसे सद्भावना कहते हैं, ये सद्भावना को खराब करने की एक बड़ी कोशिश की जा रही है। अरे सिदरा के अंदर एक मंदिर है और मंदिर को जाकर के जो आपने पूर्ण तरीके से तोड़ दिया, डेसेक्रेट कर दिया। बाबा कालीबीर जी की मूर्ति थी, पहले उसको तोड़ा गया, उनकी तलवार लेकर के चले गए। माँ दुर्गा की अंदर मूर्ति थी, नवरात्रे चल रहे हैं, किस प्रकार का एक भाव जो है वो लोगों के अंदर, आज अष्टमी का त्योहार है और उसके बाद जो है लगातार इस प्रकार के हमले करना और लोगों के अंदर ये एहसास जगाना कि नहीं, कि आज भी हिंदुस्तान जो है वो उसी प्रकार की घटनाक्रम के अंदर जाएगा, मुझे लगता है ये बातें अच्छी नहीं है। मूर्तियों को खंडित किया गया है, क्या लगता है 1990 का इतिहास दोहराने की कोशिश की जा रही है जैसा कश्मीर में हुआ था? देखिए, ये सब कुछ जो है ये पाकिस्तान द्वारा स्पॉन्सर्ड है। अरे जब तक वो इस देश के अंदर जो है तबाही नहीं मचा करके रखेंगे, कम्युनल टेंशन नहीं क्रिएट करके लगेंगे, तो उनके घर की रोटी नहीं चल सकती है। और मैं यहाँ की हर प्रकार की कम्युनिटी से भी ये बात करना चाहता हूँ, सद्भावना बना करके रखे, लेकिन हिंदू होने के नाते ये बातें हम कदापि बर्दाश्त नहीं करेंगे। अरे जब किसी धर्म पे प्रहार नहीं करते हैं तो किसी धर्म का प्रहार नहीं सहेंगे, और लगातार जो है जिस प्रकार के ये प्रहार हो रहे हैं ये गलत बात है। और
जो श्रीनगर की मस्जिद के अंदर जिस प्रकार से आजादी के नारे लगाए गए हैं और ये बातें कही गई हैं कि आजादी आजादी आजादी, और जाकिर मूसा का फिर से नाम जो है जो बढ़ाया गया है और जो 2019 मई में मार दिया था उसके नाम के नारे लगाए गए हैं, मुझे लगता है आज भी जो है वो सोच से बाहर नहीं आया। अशोक जी ने बिल्कुल ठीक कहा, मस्जिद तब खोलेंगे जब वहां पर सद्भावना की बात होगी, मस्जिद तब खोलेंगे जब वहां पर जो है लोगों के अंदर एक एक देश को आगे बढ़ाने की बात होगी। आजादी के नारे, जाकिर मूसा के नाम के नारे, अरे ये सब लगाने हैं तो उसके लिए एक बड़ा अच्छा स्थान है जिसे कहते हैं जेल, इसमें भेज दिया जाएगा, PSA का एक्ट लगा दिया जाएगा। धन्यवाद।